हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम आपको लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला वीडियो है लैडर लॉजिक में, ठीक है दोस्तों, सामने वो हमारा स्टार डेल्टा, जो स्टार डेल्टा होता है उस लॉजिक को अगर हमें लैडर लॉजिक में बनाना है, स्टार डेल्टा प्रोग्राम होता है उसे कैसे लैडर लॉजिक में बनाना है, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार डेल्टा के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे रहे हो कि आखिरकार फील्ड में होता क्या है, तब आपको ये समझ में आएगा कि उसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, और ये लैडर लॉजिक का पहला वीडियो है। और अब लैडर लॉजिक की वीडियो की सीरीज आने वाली है। आप टॉपिक बताते जाएं और हम अपने टॉपिक जो हमें पता है हम उस पर वीडियो बनाते जाएंगे, और आपका लैडर लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है स्टार डेल्टा जो प्रोग्राम होता है, स्टार डेल्टा कैसे मोटर में चेंज होता है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो दोस्तों, होता क्या है, कोई भी मोटर स्टार्ट करते हैं तो अगर स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो उसकी नॉर्मल करंट से 4 to 5 times ज़्यादा हाई होती है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारी वाइंडिंग जो है जल सकती है। तो हम करते क्या हैं कि हम मोटर को पहले क्या करते हैं, स्टार में स्टार्ट करते हैं ताकि वोल्टेज कम रहे और वाइंडिंग में ज़्यादा करंट ना फ्लो हो पाए, जिससे हमारी वाइंडिंग ना डैमेज हो। और उसके कुछ समय बाद हम उसे डेल्टा वाइंडिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि मेरे जो टॉर्क है वो उसकी कैपेसिटी आ जाए, क्योंकि स्टार कॉन्ट्रैक्टर में उतना टॉर्क नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में उसके कुछ स्टार में स्टार्ट होने के बाद मोटर डेल्टा में आ जाए और डेल्टा में वो प्रॉपरली काम करने लगे। तो उसका एक लैडर लॉजिक जो है वो PLC DCS में कैसे बनेगा, आज चलिए उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लैडर लॉजिक के बारे में, बेसिक बता देता हूं। लैडर लॉजिक एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो DCS और PLC में यूज़ करी जाती है, जैसा कि आपको सामने दिख रही है। इसमें दोस्तों क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है NC और NO का। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये जो है ये NO कॉन्टेक्ट है, ये NC कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। ये दोस्तों होता है कॉइल, कॉइल मतलब कोई भी जो हमारा आउटपुट जो भी फील्ड डिवाइसेस होती है उसको हम इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अलावा कुछ और भी सिंबल आएंगे, वो हम आपको बताते जाएंगे। दूसरा, ये क्या होती है, ये जो एक लाइन है ये दोस्तों ये रंग है, इसे बोलते हैं रंग। यानी PLC में क्या होता है, सिक्वेंशियल रीडिंग होती है दोस्तों। सिक्वेंशियल रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले पहली रंग रीड करेगा, फिर दूसरी रंग रीड करेगा, फिर तीसरी रंग रीड करेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए PLC लैडर लॉजिक में क्या होता है, अगर आपका बहुत लंबा प्रोग्राम है तो आपका जो टाइमिंग होता है PLC का रीडिंग टाइम, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए इस डिटेल के बारे में बाद में बात करेंगे, टेक्निकलिटी के बारे में आज हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपका देखिए, सपोज़ करिए आप फील्ड पे हैं, आप फील्ड पे आप किसी मोटर को चलाना चाह रहे हैं तो उसका स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे। तो ये दोस्तों स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली ओपन रहेगा तभी तो मोटर नहीं चलेगी। जब आप दबाएंगे वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा जब आप दबाएंगे। तो जब दबाएंगे तो ये NC बन जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई आ रही होगी वो यहाँ आगे चली जाएगी, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोटर स्टार्ट हो जाएगी लेकिन मोटर स्टार्ट रहनी चाहिए, उसके लिए एक कॉन्टेक्टर भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस स्टार्ट के पैरेलल में एक कॉन्टेक्टर लगा देते हैं, जिससे परमानेंट होल्डिंग हो जाती है स्टार्ट कमांड की। यानी आपने मोटर चला दी तो मेरी मोटर चलती रहे, तो ये स्टार्ट कमांड क्या करता है, इस कॉन्टेक्टर को लगा देता है। ये कॉन्टेक्टर जब लग जाता है तो हमारी सप्लाई परमानेंट जाने लगती है। तो उसके बाद स्टॉप आता है दोस्तों, जैसे अगर आपको मोटर बंद करनी तो आप स्टॉप दबाएंगे तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये हो गया उस मोटर का स्टॉप। इसके बाद क्या होता है कि हर मोटर में प्रोटेक्शंस रिले होती है कई सारी, वो कोई भी प्रोटेक्शन रिले होती है, अगर आपकी कोई प्रोटेक्शन फेल होती है तो ये ओपन हो जाना चाहिए और मेरी मोटर, ये जो मोटर है मेरी मेन कॉन्टेक्टर जो है मेरा, वो बंद हो जाना चाहिए ताकि मेरी मोटर तक सप्लाई ना जाए। देखिए दोस्तों, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे। एक देखिए, मोटर में 6 वायर होते हैं, 6 वायर में से जो 3 वायर होते हैं वो मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू जाते हैं और जो तीसरे 3 वायर होते हैं वो स्टार और डेल्टा के थ्रू जाएंगे। तो स्टार और डेल्टा तभी काम करेगी जब मेन कॉन्टेक्टर लगेगा, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर लगता है, स्टॉप करेंगे तो भी मेन कॉन्टेक्टर हटता है, कोई रिले कोई भी फील्ड में दिक्कत होती है तो भी हमारा जो है वो मेन कॉन्टेक्टर हटता है। इसके अलावा आपने कोई इंटरलॉक ले रखा है, वो भी आपको इसी सीरीज़ में इंटरलॉक सारे सीरीज़ में लगाने होते हैं, तो वो इंटरलॉक भी आप इंटरलॉक मेरा कोई प्रॉब्लम किएगा तो भी मेरा मेन कॉन्टेक्टर हट जाएगा, मेरी मोटर बंद हो जाएगी।
तो ये हो गया सिंपल सा स्टार्ट स्टॉप हो गया। अब दोस्तों स्टार्ट हो गया, मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया। मैंने आपको बताया था हमारा डेल्टा तभी लगेगा जब हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर लगा होना चाहिए, तो मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर लग चुका है। ये काम बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में हो रहा है, मतलब मुझे बताने में जितना टाइम लग रहा है लेकिन उससे कम समय पर ये काम हो रहा है। आप कभी भी, मैं चीज़ों को इतना क्लियर इसलिए करता जाता हूँ ताकि आपको कहीं से ये महसूस ना हो कि ये सर इतनी लेट क्यों हो रहा है या इतने क्यों हो रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत फास्टली हो रही हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमें टाइम लगता है। अब क्या होगा, ये QA है, QA यानी यही हमारी क्या था, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है। अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया होगा तो ये जो NO है ये NC हो गया होगा दोस्तों, यानी ये मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया, ये हमारा हेल्दी है। इसके बाद ये सप्लाई PLC आगे आएगा, वो देखेगा टाइमर जो है स्टार डेल्टा का वो अभी एक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी टाइमर क्या होता है दोस्तों, टाइमर क्या होता है, टाइमर एक ऐसी चीज़ होती है उसमें भी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो हमने NC कॉन्टैक्ट लिया है जब मेरा स्टार कनेक्शन होगा, तो जब टाइमर नहीं चलेगा तो ये NC का NC रहेगा। जब टाइमर टाइमर का टाइम सेट करके जब टाइमर चल जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं। तो मेरी सप्लाई आई, टाइमर मेरा नहीं चल रहा है, मेरी सप्लाई आगे गई, मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर, हाँ दोस्तों एक इंटरलॉकिंग होती है, जब तक डेल्टा कॉन्टैक्टर अभी हेल्दी नहीं है तो मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हेल्दी नहीं है इसलिए NC ले रखा है डेक्टर, यानी नॉर्मल कंडीशन पे ये क्लोज कनेक्शन ले रखा है। हमने एक वायर लिया डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट के थ्रू लेके मेरे स्टार में, वो वायर चला गया, यानी स्टार तभी लगेगा जब मेरा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा होगा। तो यानी यहाँ मेरी सप्लाई आई, टाइमर एक्टिव नहीं है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर भी एक्टिव नहीं है, मेरी स्टार कनेक्शन लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब स्टार कर, अब देखिए साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें एक बाईपास में एक टाइमर लगा हुआ है तो सप्लाई यहाँ भी चली आई। यानी जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर लगता है मेरा डेल्टा सॉरी स्टार कनेक्शन तो लगता ही लगता है, साथ ही मेरा टाइमर भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टाइमर क्या करता है, मेरे स्टार से डेल्टा में वाइंडिंग चेंज करने का टाइम है, तो हमने टाइम कुछ भी सेट कर दिया 6 सेकेंड। यानी जैसे ही मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर लगा, मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर उसके कुछ देर बाद लगा, कुछ देर मतलब विद इन सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ देर का मतलब आप बहुत ज़्यादा ना समझ लीजिएगा। उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो गया, 6 सेकेंड के बाद टाइमर हमारा एक्टिव हो गया। 6 सेकेंड के बाद जैसे ही हमारा टाइमर एक्टिव हो गया तो वापस हम नीचे थर्ड रंग में आते हैं, जो तीसरी रंग है वो क्या है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे जब मेरा टाइमर एक्टिवेट हो चुका होगा तो ये टाइमर का डेल्टा कॉन्ट्रैक्ट हमने ले रखा था, अब टाइमर कंप्लीट होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर NC हो जाएगा। अभी NO है नॉर्मली, अब NC हो जाएगा, मेरा सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। सप्लाई के बाद देखिए स्टार कॉन्ट्रैक्टर ले रखा है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली सील क्लोज कनेक्शन ले रखा है, यानी जैसे ही मेरा स्टार कनेक्शन इनएक्टिव होगा वैसे ही मेरा ये कॉन्टैक्ट मुझे मिल जाएगा और मेरी डेल्टा का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट कब मिलेगा, देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि सर स्टार तो लगा था अब आप डेल्टा के पास आए हैं, तो भैया जब मेरा टाइमर जैसे ही ऑफ हो मतलब ये 6 सेकेंड हो जाएगा तो ये तुरंत मेरा डेल्टा ये वाला जो हमारा टाइमर था ये NC बन जाएगा, डेल्टा मेरा हट जाएगा, डेल्टा हटते ही ये NC मिल जाएगा हमें और ये मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही मेरा टाइमर एक्टिवेट हो चुका होगा, 6 सेकंड पूरे हो गए होंगे, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, यानी ये जो टाइमर है यहाँ से ये NO हो चुका होगा, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर तक सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी स्टार में कनेक्टर नहीं पहुँचेगी तो मेरा स्टार वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो मेरे को NC मिल जाएगा और यहाँ पे मेरा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई आ जाएगी और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मेरी डेल्टा वाइंडिंग्स के कनेक्शंस में चली जाएगी और मेरी मोटर चल जाएगी। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम जो स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्जन होता है इन PLC। अगर आपको PLC DCS में ये प्रोग्राम बनाना है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर पूछें कि आपको क्या दिक्कत रही मेरे समझाने में। ठीक है दोस्तों, अब अगला वीडियो जो रहेगा वो हम या तो रिवर्स मोटर या फॉरवर्डिंग मोटर का PLC बनाएंगे या जो भी देखेंगे, मतलब आपको बेसिक वीडियो ले चलेंगे, फिर हाई लेवल पे थोड़ा सा इन लेडर लॉजिक को बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।